नेक्स्ट असुचि एप्लाइड आर्ट्स, 5 पॉइंट एप्लाइड आर्ट्स। एप्लाइड आर्ट्स मीन्स कौन ना द एप्लाइड आर्ट्स हूँ इट इनक्लूड्स आर्किटेक्चर। आम जो कौन आर्किटेक्चर कंप्यूटर आर्ट फोटोग्राफी आवर इंडस्ट्रियल डिजाइन ग्राफिक डिजाइन इवन फैशन डिजाइन जोड़ा फैशन कोर्स जोड़ा इंटेरियर डिजाइन। इंटेरियर डिजाइन बर्तमान सोसाइटी से हाइली पेड जोड़ा इंटेरियर इंटेरियर डिजाइन जोटा कि आम घर भितर आमर घर जो नक्सा बा घर जो डेकोरेटिंग सिस्टम टाक आम चेंज करेंज करुच्छे इंटेरियर डिजाइन मध्यम एज वेल एज डेकोरेटिव आर्ट्स जोड़ा कह जाए गोटे डेकोरेटिव आर्ट्स भितर जागुड़ाक सब कौन कौन ना ग्राफिक डिजाइन फैशन डिजाइन एगुड़ाक गोटे गोटे जा ग्राफिक डिजाइन फैशन डिजाइन कंप्यूटर आर्ट। सो एगुड़ाक सब एप्लाइड आर्ट भितर जाउची जोगुड़ाक आम एप्लाइड करूँ इट कैन बी और इनक्लूड्स इन आर्किटेक्चर भितर जाउची कंप्यूटर आर्ट भितर जाउची फोटोग्राफी रे जाउची जोड़ा कि आम परफॉर्मिंग माध्यम रे भी ताको आम फील कर परिबा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज योर एस्थेटिक। एस्थेटिक वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट आर्ट एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट एस्थेटिक। व्हाट इज एस्थेटिक? एस्थेटिक इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी एंड इट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। एस्थेटिक मीन्स द फिलोसफी ऑफ आर्ट और इज द स्टडी ऑफ नेचर और आर्ट और आवर ब्यूटी। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी। एटा गोटे ब्रांच पूरा टोटल फिलोसफी नुहे फिलोसफी एटा गोटे ब्रांच एंड इट एग्जामिन द नेचर। आम कौन कौन नेचर को स्टडी कर पार्छे स्टडी नेचर उपरे तार ब्यूटी को स्टडी करवा सो दैट इट इज ए फिलोसफी ऑफ आर्ट एंड इट एग्जामिन द नेचर ऑफ आर्ट एंड आवर एक्सपीरियंस ऑफ इट। आम तार द्वारा गोटे एक्सपीरियंस नौ कौन तार एक्सपीरियंस गेन कर पार्छे। इट एमर्ज्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। एटा फर्स्ट स्टार्टिंग होता एस्थेटिकटा 18th सेंचुरी रे इन यूरोप। ओके 18th सेंचुरी रे यूरोप रे फास्ट एटा क्रिएट होता एस्थेटिक जो कनसेप्ट बाय एस्थेटिक नेचर। देन एटा पुणी एलाबोरेट है यूरोप रु स्टार्ट ही ऑल ओवर वर्ल्ड धीरे 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 एटा डेवलप कला इंग्लैंड रे एटु से ट्रांसफर करती धीरे धीरे इंग्लैंड रे एंड ऑल ओवर द कंट्री को। सो 18th सेंचुरी रे एटा जतबे एस्थेटिक कांसेप्ट क्रिएट हैला बा स्टार्ट हैला देन नेक्स्ट डेवलप्ड इन इंग्लैंड सच फील्ड को फील्ड रे लाइक पोएट्री स्कल्पचर फास्ट को फील्ड रे ना पोएट्री रे देन स्कल्पचर रे। ओके फास्ट से पोएट्री रे देन स्कल्पचर देन म्यूजिक देन एंड डांस म्यूजिक एंड डांस। ओके सो बहुत गुड़ाक सेक्टर बहुत गुड़ाक फील्ड जो थे कि एस्थेटिक कनसेप्टा कभर करूला जोटा कि पोएट्री स्कल्पचर रे म्यूजिक रे डांस रे इन जनरली एटा गोटे विजुअल प्लस परफॉर्मिंग ऊपर डिपेंड करूला। सो दैट एस्थेटिक इज ए ब्रॉडर इन स्कोप देन द फिलोसफी ऑफ आर्ट which comprises one of its branches. It deals not only with the nature and value of the arts but also with those responses to natural objects that find expression in the large value jota ka ame kahu ba experiences in the language also. So aesthetic gote emiti broader concept ba yara scope ta ete vast जहाँकि फिलोसफी लाइफ दुनिया रे एटा गोटे आर्ट एटा गोटे स्किल जहाद्वारा कि ये कंप्राइजेस वन ऑफ इट्स ब्रांचेस भितर ये काउंट होउची एंड
एंड ऑल्सो इट डील्स नॉट ओनली विथ द नेचर एस्थेटिक मीन्स जोड़ा आम कहे इन सिंपल मीनिंग ब्यूटी जोड़ा कि ओनली डिपेंड करूनी केवल नेचर उपरे नॉट ओनली नेचर एंड वैल्यू ऑफ द आर्ट्स आर्ट्स गोटे भैल्यूटा को गोटे ब्यूटी भैल्यू कौन ताको भी जजमेंट करुच्छे एस्थेटिक भैल्यू जोड़ा आम कौच सो दैट इट इज ए नेचुराल ऑब्जेक्ट्स दैट फाइंड एक्सप्रेशन इन द लैंग्वेज एस्थेटिक जितेबाला आम भैल्यू विषय जजमेंट करुच्छू बा एस्थेटिक भैल्यूर इम्पोर्टेंस जितेबाला आम दौचु कौन से एस्थेटिक भैल्यू एस्थेटिक भैल्यूर जितेबाला आम गोटे ब्यूटी को जजमेंट कर ब्यूटी कनसेप्ट क्लीयर करने बहुत गुड़ाक क्वेश्चन एटी एराइज हुए फर्स्ट क्वेश्चन आसूस ह्वाट इज ब्यूटी एस्थेटिक वैल्यू को जानवा को हेले जो क्वेश्चन फास्ट एराइज होता हूँ ह्वाट इज ब्यूटी कौन ब्यूटी कौन ब्यूटी कहले कौन बुझू आम केवल जो कहूँ ब्यूटी मैंने सुंदर ब्यूटी मीन्स कौन ह्वाट इज ट्रू ब्यूटी अबाउट जोड़ा आम कौ सत्य ट्रुथ जोटा से ही ब्यूटी गोटे क्वेश्चन आसूस ह्वाट इज ब्यूटी देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसूस ह्वाट मेक्स समथिंग ब्यूटिफुल ह्वाट मेक्स कौन एमती जिनस जोड़ा कि क्रिएट करुच्ची ब्यूटीफुल हबारे कौन एमती करा ह्वाट इज ए आर्ट ह्वाट इज आर्ट कहीं प्रथम रू कही आर्ट एंड एस्थेटिक दुईटा जिनस परस्पर सहित वेरी क्लोजली रिलेटेड रोचा सो ह्वाट इज आर्ट एस्थेटिक ब्यूटी जानापी एस्थेटिक कौन जानवा को हेले ब्यूटी कौन एमती जिनस जोटा कि ब्यूटी को मेक्स ब्यूटीफुल करुच्च्वाट इज मेक्स समथिंग ब्यूटीफुल देन नेक्स्ट आसूस ह्वाट इज आर्ट ह्वाट इज द वैल्यू ऑफ आर्ट जदि आर्ट कौन तेल तार कौन वैल्यू कौन ह्वाट इज द वैल्यू ऑफ आर्ट कौन आर्ट वैल्यू कौन आर्टा कौन आम ये इम्पोर्टेंट बा आर्ट वैल्यू कौन एंड ह्वाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड आर्ट एंड बैड आर्ट ह्वाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्वाट इज द डिफरेन्स बिटवीन गुड आर्ट एंड बैड आर्ट सो बहुत गुड़ाक क्वेश्चन ये एराइज हो एस्थेटिक वैल्यू बा एस्थेटिक वैल्यूर जो ब्यूटी इम्पोर्टेंस जानापी कौन कौन ना ह्वाट इज ब्यूटी फास्ट जानवा दरकार ब्यूटी कौन ह्वाट इज ब्यूटी देन ह्वाट मेक्स समथिंग कौन कौन जिनस गोटे ब्यूटीफुल करमको हेल्प करुच्ची ह्वाट मेक्स समथिंग ब्यूटीफुल ह्वाट इज आर्ट आर्ट कहले कौन जोड़ा आम कौ आर्ट मीन्स कौन आर्ट आम कहीं कौ आर्टर वैल्यू कौन देन ह्वाट इज द वैल्यू ऑफ आर्ट आर्टर वैल्यू पुणी कौन से जदि आम आर्ट कौ आर्टर एस्थेटिक ब्यूटी उपर तार वैल्यू कौन ह्वाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड आर्ट एंड बैड आर्ट कहीं आम प्रथम जाचु जो आर्ट जितेबाद आम क्लासीफाए करुच्छू गोटे भिजुआल आर्ट्रे पेंटिंग आर्ट्रे प्लास्टिक आर्ट्रे बहुत गुड़ाक आर्ट्रे परफॉर्मिंग आर्ट्रे आम जितेबाला डिवाइडेशन करुच्छू क्लासीफाए करुच्छू से आम गोटे डिसाइड कर जजमेंट कर कैपासीटी अच्छी कहीं वी कैन हियर वी कैन विजुअल वी कैन फिल द आर्ट सो दैट वी कैन अल्सो डिफरेन्सीएट और डेमार्केट बिटवीन गुड आर्ट एंड गुड आर्ट कौन एवं बैड आर्ट कौन सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर टू नो ह्वाट इज एस्थेटिक वैल्यू और ह्वाट इज द कनसेप्ट ऑफ एस्थेटिक जोड़ा कि आम कौ ब्यूटी इम्पोर्टेंट ह्वाट इज ब्यूटी ह्वाट द ह्वाट मेक्स समथिंग ब्यूटीफुल एंड ह्वाट इज द आर्ट आर्टर वैल्यू कौन से भी इम्पोर्टेंट एंड ह्वाट इज द डिफरेन्स बिटवीन गुड आर्ट एंड बैड आर्ट सो एस्थेटिक मैंने जो आम कौ इट मे बी डिफाइंड नेरोली जोटा एज द थियोरी ऑफ ब्यूटी और मोर ब्रॉडली एज द टुगेदर विथ द फिलोसफी ऑफ आर्ट the concept of expression representation and the nature of art objects will then be covered a philosophical inquiry
into the origin of our ideas of the sublime and beautiful. माने कौन जोटा आम कहूँ aesthetic मे बी सेटा आम नैरोली जाक डिफाइंड करूचु बट यार थीओरी ऑफ ब्यूटी जोटा और ब्रॉडली जो तार कनसेप्ट जो फिलोसफी एटा गोटे ब्रांच ऑफ फिलोसफी फिलोसफी ऑफ आर्ट सो दैट द कनसेप्ट ऑफ एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन एंड द नेचर ऑफ आर्ट जोटा आम कहे तार एक्सप्रेशन ये इंपोर्टाट गोटे आर्ट्रे एक्सप्रेटेशन एक्सप्रेशन जोटा आम कहू तार एक्सप्रेशन तार प्रेजेंटेशन ये दुईटा जिनस भेरी इम्पोर्टाट गोटे आर्ट रू एक्सप्रेसन करेजेटेसन करा गोटे नेचर ऑफ आर्ट रिप्रेजेंट करवा केमी रिप्रेजेंट करमी गोटे आर्ट खाली परफॉर्मिंग आर्ट्स गोटे एस्थेटिक भैल्यूर जो इम्पोर्टाटा गोटे एक्सप्रेसन मध्यम गोटे प्रेजेटेसन मध्यम केमी एक्सप्रेसन करू भली भाव में रिप्रेजेट करा गोटे नेचर ऑफ आर्ट जोटा आम कौ गोटे नेचर रोटे आर्ट्र इम्पोर्टाट तार भैल्यूटा so that its object will then be covered and it also a philosophical inquiry jota ame kahuchu it to the origin of our ideas of the sublime and also beautiful okay so that ame je kahuchu dimension yaro bahut gudak area achi bahut gudak dimensions achi so dimensions of aesthetic mane kono dimensions of aesthetics what are the dimensions of aesthetic there are the major dimensions of aesthetics are first one is elegance elegance jahara mane kon ना गोटे ब्रांडेड ब्रांडेड जिनस जोटा गोटे प्रायोरीटी दबा बी ब्रांडेड बा जोटा आम कहू गोटे प्रायोरीटी दबा गोटे जिनसटा को गोटे कनसेप्टा को बहुत मात्रा रे ता ऊपर प्रायोरीटी द कनसेप्ट ऑफ एलिगेंस हैज बीन वाइडली दिस रिगार्डेड इन बोथ द फिलोसॉफिकल एंड द एम्पिरिकल ट्रेडिशन ऑफ एस्थेटिक्स सो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इट इज ए नीड for our aesthetic value so the concept is now primarily used in the field of visual aesthetic like elegant jota ame kahuche clothes our architecture ta mane kon jota ame kahuche elegance re amar clothes asi pare our architecture asi pare and also our jota ame kahuche day to day life re ame निडी करछु आवर कार्स आवर मेंटेनेंस जोड़ा आम कहे आवर स्टेटस ऑल्सो इनवॉल्व आवर स्टेटस ऑल्सो इनवॉल्व इन दिस मेथड सो आवर क्लॉथ्स जोड़ा आम कहलु जे एलिगेंट क्लॉथ्स एलिगेंट आर्किटेक्चर एलिगेंट कार्स आवर डे टू डे लाइफ रे जोड़ा आम स्टेटस मेंटेन करछु सो दैट एलिगेंस इज द वेरी इंपोर्टेंट एंड इट इज ए इंपोर्टेंट डायमेंशंस ऑफ एस्थेटिक देन सेकेंड पॉइंट इज ब्यूटी beauty is the philosophical part of nature or beauty is the branch of the our philosophical art so the concept of beauty is the central category of empirical aesthetics most notably of aesthetic studies jota ki ame kahu ki gote aesthetic value re beauty what is beauty jemti mu kahili ebe gote question asuchi je aesthetic value ta ko importance deba pai je beauty kon ब्यूटी रा वैल्यू कौन एवं ताकू जजमेंट करिवे पई ह्यूमन बीइंग्स पाखरे कौन कोटा गुड और कोटा बैड जोटा कि टेस्ट मध्यम रे आमे जोटा कहीं गोटे विजुअल आर्ट गोटे फाइन आर्ट जोटा आमको देखा जाऊँ वी कैन हियर एंड वी कैन फील एंड वी कैन विजुअल जोटा आम देखिपरू सो दैट इट इज नॉट येट द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी हैज नॉट येट बीन एक्सप्लोरेड इन आवर डेप्थ using empirical methods nor has it been
स्टडीड इन ए कंपैरेटिव फैशन लाइक ऑडिटरी जोटा आम कहूँ ऑडिटरी ब्यूटी जोटा आमको जस्ट आम शुणिलु आम जो फिल करुच्छू शुणा मध्यम हियरिंग मध्यम आम जो फिल करुच्छू ऑडिटरी ब्यूटी एंड नेचुरल ब्यूटी बा कल्चरल प्रोड्यूस्ड ब्यूटी तीन टा जिनस इंपोर्टेंट रोज ब्यूटी में जोटा आम कहलु ऑडिटरी ब्यूटी ऑडिटरी ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी एंड कल्चरल ब्यूटी ये तीन टा जाक प्रोड्यूस्ड होची सोसाइटी रे बाय द एस्थेटिक वैल्यू सो इट इज द आर्ट इज एन फॉर्म ऑफ एस्थेटिक केवल आर्ट जे आम कौ आर्ट डिपेंड करुच्छा इंटरलिंकेज रोज एस्थेटिक रे सेया नुए आर्ट इज ए गोटे ग्लोबल एक्टिविटी सो दैट आर्ट इज एन फॉर्म ऑफ एस्थेटिक इट इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी दैट एग्जामिन द नेचर ऑफ आर्ट एंड आवर एक्सपीरियंस आमर नेचर एवं आमर एक्सपीरियंस को ये भल भाव कौन करुच्ची ना एग्जामिन करुच्ची ताको स्टडी करुच्ची सो दैट इट इज एम्फासीस एंड आर्ट इज द ग्रामर ऑफ लाइफ आम एटा कहीपरबू जो आर्ट केवल से नुहे आर्ट इज द ग्रामर जमती मुझे कहली आर्ट इज ए ग्लोबल एक्टिविटी सो दैट आर्ट इज ए ग्रामर ऑफ लाइफ गोटे प्रत्येक ईच एंड एव्री इंडिविजुअल हैज ऑल्सो फेस दिस वैल्यू सो दिस इज एन आर्ट टू एव्रीथिंग देयर इज एन आर्ट टू लिविंग ऑन द स्ट्रीट सेफली एंड आर्ट टू रनिंग ए स्कूल वेल मैंने प्रत्येक मनुष डे टू डे लाइफ रे से गोटे आर्ट मध्यम दे गति करुँचे आर्ट केमी कराए कौ भाई वे रे द वे ऑफ पैटर्न जोटा आम कौच केमी गोटे छोट शिशु गोटे मनीष पिला छोट शिशुर केमी गोटे परफेक्ट ह्यूमन बीइंग क्रिएट कर तार पेरेन्ट्स सेटा गोटे आर्ट सेटा गोटे कला जहाद्वारा कि देयर इज एन आर्ट टू द स्टडी ऑफ एव्री सब्जेक्ट इन द एस्थेटिक वैल्यू एस्थेटिक इज यूजुअली यूज्ड एज ए टर्म ऑफ रेफर टू थिंग्स दुईटा बहुत ही बड़ इंपोर्टेंट जिनस रोज आर्ट रे कौन ना ए फील्ड ऑफ इंक्वायरी ओके फर्स्ट वन इज ए फील्ड ऑफ इंक्वायरी सेकेंड वन इज टाइप ऑफ एक्सपीरियंस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस जितेबाला आम कहलु कि बहुत गुड़ाक क्वेश्चन एराइज होने गोटे फिल्ड एनक्वारी कर गोटे फिल्ड ये क्रिएट हो गोटे ब्यूटी को जजमेंट करने टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस कौन द फिल्ड ऑफ एस्थेटिक कवर्स द फिलोसॉफी ऑफ ब्यूटी एंड द फिलोसॉफी ऑफ आर्ट इन द फिलोसॉफी ऑफ आर्ट द मीनिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ आर्ट वर्क एंड मोर एस्थेटिक इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू आवर एक्सपीरियंसेस दैट आर इमोशन और ऑब्जेक्ट हैज एस्थेटिक प्रॉपर्टीज इन टू द फार एज इट इज एक्सपीरियंसड एज ग्लूमी और जॉयफुल और कन्फ्यूज्ड एंग्री एंड सो ऑन सो दैट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड फील्ड ऑफ इंक्वायरी एटी काहीकि आम कहूँ एत इम्पोर्टाट बिकज सम पीपुल ये मुझे एग्जाम्पल मध्यम कहीपरि सम पीपुल cannot connect the art and aesthetic when they claim that an art object is that which has been made with the intention that the object is that which has been made with the experience khali intention nuhe amar experience thiba darkar dui ta jinsa jemti mu kahili gote ethi inquiry au experience semiti art ko bujhiba ko hale amar intention and experience dui ta jako ethi bahut matra re important so जमीती आर्ट सब्जेक्ट रे देख लु बहुत गुड़ाक क्वेश्चन एराइज होस्थेटिक कनसेप्ट को बुझापी एटी भी बहुत गुड़ा क्वेश्चन एराइज होक ह्वाट इज एन एस्थेटिक एक्सपीरियंस कौन एस्थेटिक एक्सपीरियंस कौन हाउ कैन एन एस्थेटिक वैल्यू बी डिस्टिंग्विश्ड आम केमी गोटे एस्थेटिक वैल्यू को डिफाइन करिफरेनसीएट करें गोटे डेमार्केसन आनीपरबू सो हाउ डज बा ह्वाई
एन ऑब्जेक्ट बिकम ब्यूटीफुल केमिति जमी आर्ट रे मुझे कौन ताको हेल्प करुच कौन एमती कौन जिनस अच्छी जोटा कि गोटे ब्यूटीफुल गोटे जिनसटा को ब्यूटी करिवारे हेल्प करुच सेमती व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट बिकम ए ब्यूटीफुल हाउ डू वी डिफाइन ब्यूटी आम ब्यूटी को केमिति डिफाइन करूँ कौ भाव करूँ हाउ इज आर्ट टू बी जजेड पुणी एटी आर्ट रे काम कौन एवं आर्ट यहाँ जज केमिति करुच सो दैट ऑल दिस concept is clear and field of inquiry and experience is very important ethi ame lastly conclusion kahi paribu je there are all kinds of arguments about someone may object that given such a definition of a work of arts with a reply is the work of art and for intending is to be experienced एस्थेटिकली जोटा आम कौच गोटे एस्थेटिकली कनसेप्ट आर्ट रे इम्पोर्टेंस कौन तार भैल्यू कौन एवं दुई जन भितर गोटे इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्शन रोज ओके okay?